खबर औरैया से है जहां डकैत छिंदा डाकू साधु बनकर रह रहा था। दरअसल चित्रकूट में बाबा ब्रजमोहन बनकर सभी डॉक्यूमेंट बनवा लिए थे और ब्रजमोहन नाम से पैन कार्ड, आधार कार्ड, आई राशन कार्ड बना हुआ था। आपको बता दें कि पुलिस द्वारा एक ऐसे मामले का खुलासा किया गया है जिससे सुनकर सबके होश उड़ जाएंगे। डकैत लाला राम गिरोह के 50,000 के इनामी सदस्य को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। 2015 में पुलिस ने इस पर इनाम घोषित किया था। औरैया पुलिस द्वारा और थाना अयाना की पुलिस द्वारा एक उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें 24 साल के बाद एक वांछित अपराधी जिसका नाम छेदा सिंह उर्फ छिद्दा पुत्र रजब सिंह है, जो पिछले 24 वर्षों से हमारे जनपद से वांछित चल रहे थे, जिनके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम घोषित था और जिनके ऊपर लगभग 24 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं, उनको थाना अयाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। छेदा सिंह उर्फ छिद्दा पिछले कई वर्षों से अपना नाम बदलकर चित्रकूट जनपद में ब्रजमोहन दास के नाम से बाबा के भेष में रह रहे थे। इनके पास से फर्जी पैन कार्ड, फर्जी वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड सारी चीज़ें बरामद हुई हैं। साथ में ये भी बताना चाहेंगे कि ये लाला राम गैंग जो उस समय एक सक्रिय गैंग था और कई सारे अपहरण और फिरौती हेतु अपहरण के द्वारा किए जाते थे, उसका एक सक्रिय सदस्य था। इनके ऊपर कई संगीन मुकदमे अपहरण की धाराओं में दर्ज हैं और 50,000 का इनाम वर्ष 2015 में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अनाउंस किया गया था। थाना अयाना पुलिस द्वारा और जनपद औरैया पुलिस द्वारा इसमें एक उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है और गिरफ्तार करने वाली टीम को उचित धनराशि। वहीं खबर लखीमपुर से आई है जहां चोरों का आतंक थम नहीं रहा है। लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। ताजा मामला नीम गांव थाना क्षेत्र के पुलिस चौकी सिकंदराबाद क्षेत्र का है, जहां चोरी की घटनाओं को रोकने में पुलिस नाकाम हो रही है। सिकंदराबाद चौकी क्षेत्र के रायपुर गांव में चोरों का आतंक चल रहा है, जहां दो घरों को एक ही रात में चोरों ने निशाना बनाया है। एक घर के बाद दूसरे घर को खंगालने के लिए चोर भागे और चोरों ने 10,000 की नकदी समेत काफी सामान घर से ले गए हैं। फिलहाल पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी है और पुलिस कार्रवाई करने में लगी है। वही खबर लखनऊ खीरी से है जहां जनपद में आदमखोर बाघ का आतंक नहीं थम रहा है। दरअसल खेत की रखवाली कर रहे व्यक्ति को बाघ ने अपना निवाला बना लिया है। आपको बता दें कि ये कल रात की घटना है जहां युवक खेत की रखवाली करने घर से निकला था। वहीं वन विभाग बाघ को पकड़ने की लगातार कोशिश कर रही है। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ने पुरखाया स्थित अपने केंद्रीय कार्यालय पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। वहीं कैबिनेट मंत्री ने आज 350 से अधिक शिकायतों को सुना और कुछ का मौकों पर निस्तारण किया। बाकी शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को फोन कर दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। जनता दरबार में जन सुनवाई के दौरान एसडीएम भोगनीपुर, बिजली विभाग और पुलिस अधिकारियों सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि कानपुर देहात की भोगनीपुर विधानसभा की जनता ने भाजपा के राकेश सचान को चुनकर विधायक बनाया और योगी सरकार ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया। लगभग 350 शिकायतें आई जिसमें हमारे अधिकारी एसडीएम और इंस्पेक्टर और जो अन्य विभागों से संबंधित जो भी शिकायतें आई सबको फोन किए गए, सबको शिकायतों के निस्तारण के निर्देश दिए और जितने लोग भी आए उनको संतुष्ट करके यहाँ से भेजा। ये कई शिकायतें तो करीब एक दर्जन शिकायतें ऐसी होंगी जो कई बार से आई, उनको एकदम टाइम बाउंड एसडीएम को और पुलिस को निर्देशित किया गया कि अब ये एक हफ्ते के अंदर इन शिकायतों का निस्तारण करते दोबारा। वही खबर अलीगढ़ से आई है जहां ताजा मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का है, जहां लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे छात्र द्वारा अन्य छात्र से शोर मचाने का विरोध करना भारी पड़ गया है। वही विरोध करने पर छात्र ने विरोध करने वाले छात्र पर चाकू से करीब
तीन चार बार हमला कर दिया और जिसके बाद छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल हो गया। वही खबर अमेठी से भी आई है जहां कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, जहां बेखौफ दबंगों ने पैमाइश करने गए लेखपाल पर धार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें लेखपाल गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना पर एसडीएम अमेठी सचिन यादव ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और घायल लेखपाल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। उन्होंने आगे बताया कि पुलिस ने आगे की कार्रवाई करते हुए दो लोगों को हिरासत में ले लिया है और इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। वही खबर अलीगढ़ से है जहां आजमगढ़ और रामपुर में हुए उपचुनाव में सपा की हार के बाद अलीगढ़ समाजवादी पार्टी की पूर्व नेता रुबीना खानम का बड़ा बयान सामने आया है। रुबीना खानम ने न करते हुए समाजवादी पार्टी पर तंज कसे हैं और कहा है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक वर्ग विशेष की बात करना बंद कर दें। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अभी तक वक्त है कि सबका साथ सबका विकास की राजनीति कीजिए। उन्होंने आगे कहा कि आज रामपुर और आजमगढ़ दोनों की जगह सपा की हार हुई है, एक कुछ और नहीं सिर्फ एक वर्ग की बात करने का परिणाम है। और रामपुर के लोकसभा उपचुनाव में जनता ने जो जनादेश दिया है उसने अखिलेश यादव का घमंड तोड़ दिया है। सपा के गढ़ में सपा की हुई हार ने अखिलेश यादव जी को यह बता दिया है कि जो इस देश की बात करेगा, जो राष्ट्र की बात करेगा, जो सब समुदायों की बात करेगा, जो सबका साथ सबके विकास की बात करेगा, वही इस देश पर राज करेगा। और अखिलेश यादव जी अभी भी समय है, एक समुदाय की बात करना छोड़ दीजिए, एक वर्ग विशेष की बात करना छोड़ दीजिए, इससे किसी को कुछ हासिल नहीं होने वाला है। तुष्टिकरण की राजनीति करना छोड़ दीजिए, सबका साथ सबके विकास की बात कीजिए, इस देश की बात कीजिए, इस राष्ट्र की बात कीजिए। और मैं आपको ये बताती हूँ, एक छोटा सा मेरा मशवरा है कि अगर आप इसी तरह तुष्टिकरण की राजनीति करते रहे, एक समुदाय की बात करते रहे, तो कहीं ऐसा ना हो कि समाजवादी पार्टी इतिहास के पन्नों की कहानी बनकर। वही खबर फतेहपुर से है जहां जिला मजिस्ट्रेट फतेहपुर के आदेश के अनुपालन में धारा गिरोहवाद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 से संबंधित अभियुक्त का चौकी हवसा थाना के अंतर्गत अवैध रूप से आपराधिक कृत्यों के कारण अर्जी डाली गई है, जहां उस पर संपत्ति की धांधली करने पर गैंगस्टर अधिनियम की धारा 44(1) के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हो गया है। इस मामले में क्या कुछ पुलिस अधीक्षक ने कहा, आइए सुनाते हैं। आज जनपद फतेहपुर में एक गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। जिला अधिकारी फतेहपुर के आदेश पर हाजी रजा की 14(1) के अंतर्गत अवैध संपत्ति की गई है, जिसकी कीमत 1,05,00,000 है और मार्केट वैल्यू इसकी लगभग 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आज यह कार्रवाई क्षेत्राधिकारी नगर एवं उप जिलाधिकारी सदर के नेतृत्व में की गई है और पर्याप्त पुलिस बल के साथ में मौके पर जाकर के संपत्ति अटैच की गई है। वही खबर रायबरेली से, रायबरेली महिला जिला अस्पताल में इलाज न मिलने के चलते एक प्रसूता की मौत हो गई है। मृतका के परिजनों ने डॉक्टर और स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा हुआ। हंगामा बढ़ता देख मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के कस्बे की रहने वाली युवती को उनके परिजन महिला जिला अस्पताल लेकर आए थे। परिजनों का आरोप है कि घंटों वह अपने मरीज को तड़पते हुए लेकर भटकता रहा, पर न तो स्टाफ और न ही डॉक्टर ने हाथ लगाया, जिससे इलाज के अभाव में उनकी मौत हो गई। मृतका के परिजनों की माने तो 2 दिन पूर्व उसकी डिलीवरी हुई थी, जिसके बाद उसे दिक्कत हुई तो उसे लेकर जिला अस्पताल आए। वह वहां डॉक्टर न स्टाफ न इलाज न के घंटों के इंतजार करवाया, उसकी मौत हो गई है। घटना की सूचना पर पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कोई दिक्कत नहीं, अभी कल तक कोई दिक्कत नहीं,
कल तक कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या हुआ, अभी जैसे आप पेशेंट लेके आए तो फिर आप क्या कर रहे थे? अच्छा, मतलब आपको इधर उधर टहला रहे तो उतने में एक्सपायर हो गई। वही रायबरेली से भी खबर आई है कि जहां सेना भर्ती में अग्निपथ योजना युवाओं के हित में है और उनके हितों के साथ सरकार कोई समझौता नहीं करेगी, यह कहना है कि प्रावधिक बांट माप आशीष पटेल का। वहां शिवगढ़ ब्लॉक के बूढ़ा गांव में छत्रपति साहू जी महाराज की मूर्ति का अनावरण करने रायबरेली पहुंचे थे। कैबिनेट मंत्री छत्रपति साहू जी महाराज को समाज का आदर्श बताते हुए उन्होंने कहा कि इसे निजी खर्चे पर स्थापित करने वालों ने एक मिसाल पेश की है। इस दौरान आशीष पटेल ने रामपुर और आजमगढ़ में भाजपा की जीत को उसकी बढ़ती लोकप्रियता का परिणाम बताते हुए कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि सपा लड़ाई में ही नहीं है। इस दौरान उन्होंने एक सवाल के जवाब में यह भी कहा कि सरकार हर वर्ग के लिए कार्य कर रही है। दलित और पिछड़ों को जहां आरक्षण का लाभ मिल रहा है, वहीं आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को भी 10% आरक्षण दिया जा रहा है। और इस अवसर पर हमारे सामाजिक व्यक्ति आदरणीय गया प्रसाद वर्मा जी जो अन्नदाता हैं, उन्होंने अपनी बचत की पूंजी से इतनी विशाल मूर्ति का निर्माण किया है। और आप देख रहे हैं जिस तरह ये जनसैलाब उमड़ा है, ये डॉक्टर छत्रपति साहू जी महाराज जी की इस मूर्ति के अनावरण के अवसर पर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता है। और मैं तो आज इस अवसर पर सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि दया प्रसाद जी से हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए, और जिस प्रकार से इन्होंने ये सामाजिक काम किया है, इतनी बड़ी मूर्ति का निर्माण करा है अपनी बचत की पूंजी। वही खबर रायबरेली से ये भी है कि जहां शारदा नहर के पानी में नहाने गया एक युवक डूब गया है, युवक को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि सभी युवक किनारे की तरफ नहा रहे थे, तभी मोहम्मद इसरार नाम का युवक का पैर फिसलने से युवक बीच धारा में फंस गया। पीछे से पानी छोड़े जाने के कारण युवक तेज बहाव में फंसकर डूब गया है। अपने साथी को डूबते हुए दोस्तों ने आनन फानन में अपने परिजनों और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से लड़के की तलाश शुरू कर दी है। हम लोग कपड़े उतार के सब लोग इधर ना आ रहे थे, वो लड़का जो है उस पे चढ़ गया। एक गांव का लड़का बोला भैया इसमें डुबाव ज्यादा है, कूदना मत, वो कूद गया उसी में। पैर लेते हैं बीच में कूद गया था, बोला कि हम पैर लेते हैं, जब वो यहाँ तक आ गया तो वो डूबना शुरू हो गया। यहाँ पे लहर में नहाने गए 6 से 7 लड़कों में एक बच्चा आज डूब गया है। आपको दिखाएं, ये वही शारदा नहर है जहाँ पर जो है 6 से 7 बच्चे नहाने के लिए आए थे, लेकिन एक बच्चे का पैर फिसल जाने के कारण ये शारदा नहर है जो कि थाना मिल एरिया क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इसी नहर में बच्चे नहा रहे थे और जो है एक बच्चे का पैर फिसल गया जिससे बच्चा डूब गया है। अभी तक बच्चे की तलाश जारी है लेकिन बच्चे का कुछ पता नहीं चल रहा। हमारे साथ जो है वो बच्चे के भाई है, आइए इनसे जानते हैं क्या था पूरा। क्या नाम है आपका? अबरार। अबरार जी, कैसे आपका भाई मतलब कैसे डूबा? ये सब लोग लड़के के साथ मैंने नहाने धोने के लिए घर से निकले हुए आए, अब हमें ड्यूटी कर रहे थे, 3 बजे मालूम चला, फ़ोन करे कि नहीं जो आपका भाई पानी में डूब गया है। अब सर वहाँ से नहीं हम लोग आए हैं ढूंढने, यहाँ पे कोई जानकारी नहीं है, और फिलहाल फ़ोन करने पे प्रशासन से लोग आए हैं यहाँ पे, जानकारी कर रहे हैं, अभी कोई मालूमकात नहीं है कहाँ पे हैं कहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे पुलिस या गोताखोर ऐसी कोई टीमें आई हैं? अभी नहीं आई है, प्रशासन आए हैं लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं जो है कि नहीं जारी कर रहे हैं अपनी कोशिश, अभी गोता भी कोई आने को तैयार नहीं है। तो जाल डाला गया या पुलिस प्रशासन किस तरह आपकी मदद कर रहा है? बस जाल डालने के लिए बोल रहे हैं लेकिन आया कोई नहीं, बोल रहे हैं कोई आने के लिए तैयार नहीं, अपनी तरफ से कोशिश करिए, अगर कोई हो जाल वाल डालने वाला तो आप लोग बुलवा लीजिए।
तो 3 से 4 घंटे बीत चुके हैं लेकिन अभी तक बच्चे का कुछ पता नहीं चल पा रहा। आपको बताते चले कैमरामैन से कहने का, यहाँ पर जो है भारी भीड़ लगी हुई है और सभी लोग जो है बच्चे की सकुशल सलामती की दुआ भी कर रहे हैं लेकिन जो है अभी तक जो है बच्चे का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। देखना है कि जिला प्रशासन इसमें क्या मदद करता है। अभी तक ना जाल आया है ना गोताखोरों की टीम आई है, तो सब यहाँ पर यही कह रहे हैं कि किसी तरह जल्द से जल्द बच्चा जो है वो सुरक्षित आ जाए। कैमरामैन विपिन के साथ ओम शंकर शुक्ला, आर्या न्यूज रायबरेली। वहीं खबर रायबरेली से भी आई है कि रायबरेली है जहाँ पांडेपुर गांव के बाहर नहर में गांव के ही 48 वर्षीय शख्स का संदिग्ध हालत में शव बरामद होने से गांव में सनसनी फैल गई है। देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई है, वहीं मौके पर पुलिस भी पहुंच गई है और शव को नहर से बाहर निकलवाया और उसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि शख्स मनरेगा स्कीम में काम करते थे, कल शाम को घर से निकले थे और देर रात जब घर वापस नहीं आए तो लोगों ने खोजबीन शुरू की लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। आज सुबह लोगों ने नहर में शव देखा तो सभी के होश उड़ गए कि शख्स के साथ क्या हुआ है। शव ग्रामीणों द्वारा पता चला नहर में जो है डूब के ग्राम बालक मृत हो गए, तो पता चला, सूचना मिली तो पहुंचे, देखा तो क्या करते थे, इनका क्या नाम है? इनका नाम राम बालक सिंह है, मनरेगा में मजदूरी करते हैं। इनके बच्चे बच्चे हैं? बच्चे इनके 3 लड़कियां थी, 2। वही खबर रायबरेली से भी है कि जहां कानून को ठेंगा दिखाते हुए आम लोग खुद इंसाफ करने लगे, इसी से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। इस मामले में थाना प्रभारी की भूमिका भी संदिग्ध है। मामला लालगंज कोतवाली इलाके का है जहां लालगंज कस्बे के अंबेडकर नगर मार्ग पर दो भाइयों के बीच प्रतीक संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। आज एक भाई ने दूसरे भाई की कोठरी को साथियों के साथ मिलकर गिरा दिया। तुरंत ही घटना का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस आरोपी पक्ष समेत पीड़ित पक्ष के भी 3 लोगों को पकड़कर ले गई। इस मामले में पुलिस की भूमिका इसलिए संदिग्ध है क्योंकि थाना इंचार्ज को हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं पता। पीड़ित और आरोपी पक्ष 5 घंटे से थाने के हवालात में हैं और थाना इंचार्ज को किसी का नाम नहीं पता हो और यह असमंजस की ही दर्शाता है। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय नव मैनपुरी में पुराने जमाने के मिले हथियारों को लेकर बड़ी संभावना व्यक्त की है। उनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि हथियारों के बारे में जब उनके द्वारा बारीकी से पड़ताल की गई तो पता चला कि मिले हुए पुराने समय के हथियार काफी प्राणघातक हुआ करते थे। साथ ही कुछ हथियार ऐसे भी हैं जिनके एक बार वार करने के बाद मनुष्य का जीना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का है। प्रोफेसर के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में एक खेत से मिले 4,000 साल पुराने हथियार ने पुरातत्ववादियों की उत्सुकता बढ़ा दी है। इन हथियारों को भगवान श्री कृष्ण काल यानी द्वापर युग का बताया जा रहा है। मैं यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और आर्कियोलॉजिस्ट हूँ और मेरी जो अब तक का पूरा कैरियर है वो आर्कियोलॉजी के फील्ड में ही निकला है। और जहाँ तक ये जो मैनपुरी में गणेशपुर में जो एक हमें कॉपर वेपन्स का यानी मिलना हुआ है वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग अपने आप में खोज है और डिस्कवरी है। ये चांस डिस्कवरी है, कोई प्लान तरीके से नहीं की गई। लेकिन जो हमें एक हथियारों का जरीखा मिला है उसमें हारपून भी है। हारपून बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हथियार है क्योंकि यदि उसे किसी में भोंक दिया जाए, निकाला जाए तो वो पूरे अंदर के पोर्शन को डैमेज कर देता है। उसके साथ साथ कुछ लेंसर भी हैं, भाले भी हैं, कुछ उसमें एंटीना सॉर्ड भी हैं, एंटीना सॉर्ड भी हैं और इसके साथ साथ उसमें एक एंथ्रोफॉर्मिक एक इंस्ट्रूमेंट भी हुआ करता था उस ज़माने में, जिसको लोग बस शायद ये कहते उसको फेंक के मारने में काम यूज करते थे। तो हमें काफ़ी वैरायटी के जो हमें कॉपर एज के ये जो हमें वेपन हथियार मिले हैं ये एक बहुत अपने आप में उस पीरियड के बड़े इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट को शो करते हैं। देखिए जहाँ तक कॉपर एज या चैल्कोलिथिक या ये यानी चैल्कोलिथिक पीरियड का सवाल है तो सनोलिक एक्सकेवेशन के बाद ये क्लियर हो गया
कि भाई इस पीरियड में बहुत ज़्यादा आपस में फाइट भी हुआ करती थी, वॉर होती थी, लड़ाई फाइट होती थी, तो बहुत सीवियर टाइप की होती थी, क्योंकि उस टाइप की डेवलप हमें जो हथियार मिले। वही खबर कानपुर से है, जहां मोहम्मदपुर गांव में एक बकरी का बच्चा अचानक कुएं में जा गिरा। वहीं बकरी के बच्चे को गिरता देखकर एक युवक रस्सी बांधकर उसे बचाने के लिए कुएं में उतरा, तो कुएं में जहरीली गैस आने के कारण वह वहीं बेहोश हो गया। इसी तरह एक के बाद एक चार युवक कुएं में उतरे, जिसमें से एक युवक की मौत हो गई, अन्य तीन गंभीर रूप से घायल हैं। सूचना पर पहुंची बचाव दल टीम ने सभी घायलों को कुएं से बाहर निकाला और उपचार के लिए सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं देश की सबसे बड़ी कमर्शियल वाहनों की कंपनी टाटा मोटर्स ने अपने अधिकृत डीलर टाटा वरदान से एक न्यू गाड़ी T16 को लॉन्च किया है। आपको बता दें कि ये ICB श्रेणी की पहली गाड़ी है। वहीं टाटा मोटर्स के क्षेत्रीय प्रबंधक लोकेंद्र सिंह ने बताया कि इस गाड़ी में अच्छी खूबी है कि इम्ब्रेज में बहुत अच्छी गाड़ी बताई है और एवरेज में वही ड्राइवर को आरामदायक तो है ही, लेकिन सुविधा के साथ ड्राइवर को बीमा भी कर रही है, जिससे कि ड्राइवर का परिवार भी सुरक्षित रहे। इस बेहतरीन मौके पर टाटा मोटर्स के क्षेत्रीय प्रबंधन लोकेंद्र सिंह के साथ टाटा वरदान मोटर्स CB गंज बरेली के जनरल मैनेजर अनिरुद्ध गौतम के साथ भारी मात्रा में कंज्यूमर मौजूद रहे। हम लोग ये कमर्शियल व्हीकल आज एक लॉन्च कर रहे हैं, T16CX, अल्ट्रा T16CX के नाम से ये गाड़ी है। ऑलरेडी हमारी इस सेगमेंट में गाड़ियां आती हैं, 16 टन में ये गाड़ी है, 16x40 इसका GVW है, जो ग्रॉस व्हीकल वेट है। इसमें पासिंग आपको 11 टन की पासिंग मिलेगी कस्टमर को, और एक बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस है, एक बेटर ड्राइविंग एक्सपीरियंस है। ड्राइवर के लिए बहुत सारी सुविधाएं हमने इसमें दी हैं, जो ड्राइवर कंफर्टेबली गाड़ी को चला सके। देखिए, टाटा मोटर्स एक ऐसी कंपनी है जो लगातार इन चीज़ों में काम करती है, कैसे हम इंडियन रोड के हिसाब से अपने ड्राइवर को ज़्यादा कंफर्ट दें, ड्राइवर की सेफ्टी का कैसे हम ध्यान रखें, और हम इसमें पावर ऑफ 6 ऐसे। देखिए, टाटा मोटर्स की तरफ से हम लोग ये कमर्शियल व्हीकल आज एक लॉन्च कर रहे हैं, T16CX, अल्ट्रा T16CX के नाम से ये गाड़ी है। ऑलरेडी हमारी इस सेगमेंट में गाड़ियाँ आती हैं, 16 टन में ये गाड़ी है, 16x40 इसका GVW है, जो ग्रॉस व्हीकल वेट है। इसमें पासिंग आपको 11 टन की पासिंग मिलेगी कस्टमर को, और एक बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस है, एक बेटर ड्राइविंग एक्सपीरियंस है। ड्राइवर के लिए बहुत सारी सुविधाएं हमने इसमें दी हैं, जो ड्राइवर कंफर्टेबली गाड़ी को चला सके। देखिए, टाटा मोटर्स एक ऐसी कंपनी है जो लगातार इन चीज़ों में काम करती है, कैसे हम इंडियन रोड के हिसाब से अपने ड्राइवर को ज़्यादा कम्फर्ट दें, ड्राइवर की सेफ्टी का कैसे हम ध्यान रखें, और हम इसमें पावर ऑफ 6 ऐसे। देखिए, टाटा मोटर्स की तरफ से हम लोग ये कमर्शियल व्हीकल आज एक लॉन्च कर रहे हैं, T16CX, अल्ट्रा T16CX के नाम से ये गाड़ी है। ऑलरेडी हमारी इस सेगमेंट में गाड़ियाँ आती हैं, 16 टन में ये गाड़ी है, 16x40 इसका GVW है, जो ग्रॉस व्हीकल वेट है। इसमें पासिंग आपको 11 टन की पासिंग मिलेगी कस्टमर को, और एक बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस है, एक बेटर ड्राइविंग। मैं ये बताना चाहूँगा कि आज इस बरेली शहर में टाटा मोटर्स वरदान मोटर्स के माध्यम से, जो कि टाटा मोटर्स का अधिकृत डीलर है, पहली बार इस सेगमेंट में आज हम नया मॉडल लॉन्च कर रहे हैं, T16 मीन्स टाटा 16, इसका 16 टन अपना GVW है और 11 टन से ऊपर इसका पेलोड है। ये जो गाड़ी है, ये 17 फीट 20 फीट 22 फीट और 24 फीट में अवेलेबल है। प्लस जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें ये जो है, ये अल्ट्रा केबिन है। अल्ट्रा केबिन वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन केबिन्स में से एक आता है, जिसमें कि सारी की आधुनिक फैसिलिटीज़ इसमें गाड़ी में अवेलेबल हैं। तो अब तक ड्राइवर भाइयों को, या जो लोग खुद गाड़ी चलाते थे, ट्रांसपोर्टेशन अब नई एक परिभाषा में जा रही है, तो हमको ये भी ध्यान देना है कि जो ट्रिप्स हो रहे हैं, कोई कंपटीशन मार्केट है, तो अब ये जो हमारी नई गाड़ी है, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा पेलोड आ सकता है इस सेगमेंट में, 6 चक्के के ऊपर, और ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइवर का इस पर कम्फर्ट है। और अल्ट्रा, क्योंकि ये अल्ट्रा केबिन है, ये फुल्ली बिल्ड। इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए अन्य खबरों के लिए RI News के साथ। नमस्कार।